पेट्रोल पेट्रोल है कितना पेट्रोल है इंग्लिश में अच्छा कहां से और क्या पता मतलब रिजर्व वाला साइन आगे गया हां 300 का तेल है कुछ पहले डाल तो बनाना था ना चंदन अभी हां ये तो तार तो इसका खाली फसा दे यहीं पर खाली हड खोल दे हड बनने दे दे प्लास्टिक डाल के इसको गुडाउन पहुंचा दे तरन को लेने जाएगा ना उसी टाइम पहुंचा दे अभी कुछ नहीं करो हेड लगा के कर दे क्या बोलता कि वायरिंग अभी पिट करेगा इसमें निकाल दे निकाल दे आगे वाला डिक्स वाला पाइप भी खोल दे फिर डिक्स डुक्स वाला पाइप लगा दो इसमें सिंगल वाला डिक्स पाइप लगाएगा इसका ना एबीएस का पाइप कोई हम सब प्लास्टिक में डाल के रख लेगा जैसे जैसे बिक्री होगा तो मेरे को अकाउंट नंबर दे देना उसी में पैसा डलवाते रहेगा क्योंकि इन एबीएस पाइप ए वाला एबीएस पाइप रिमूव करके ना तो सिंगल वाला लगा देना एबीएस हटा देना है तो मैं क्या ये भी ऐसा रहने देगा ना नहीं पूरा स्टैंड कर दीजिए एक और हम लोग कर रहे हैं BS6 को कन्वर्ट BS6 A3 में सॉरी ये रहा इसका EFI और ये ब्रीदर पाइप्स वगैरह सब रिमूव हो गए इसमें एयर फिल्टर बॉक्स भी हम लोग रिमूव करके BS3 वाला ही लगाएंगे ये हेड रिपेयर करने अभी भेजूंगा यहाँ पर ये डबल प्लग होगा अभी सिंगल प्लग में है अभी ये डबल प्लग करके आएगा आज इसमें हम लोग खाली काम करेंगे हेड बनने भेजेंगे और वायरिंग डाल के छोड़ देंगे कल हेड बन के आएगा फिर आगे का फर्दर वीडियो हम ऐड करेंगे इसमें हम लोग ABS भी रिमूव करेंगे एज विश बाय द कस्टमर क्योंकि उसको ABS नहीं चाहिए उसको विदाउट ABS चाहिए विदाउट ABS वाला पाइप हम लोग लगाएंगे ये भी एकदम ब्रांड न्यू स्टीकर सब देखो अभी तक रिमूव नहीं हुए BS6 के और ये रहा इसका BS6 का हेड सिंगल प्लग ये रहा एक सिंगल प्लग अब इसमें हम लोग करवाएंगे एक और प्लग डबल प्लग होगा और ये भी इसका हीट सेंसर भी रिमूव कर देंगे हम लोग इसका वॉशर वूशर देख के चंदन सेट करके निकाल लेना ना हेड का ABS मॉडलर भी रिमूव कर रहे हम लोग और ये हेड रिमूव करके उसको कवर कर दिया सो दैट इसमें कुछ भी कचड़ा वगैरह ना गिरे और अब इसका FI रिमूव करेंगे और साइड वाला टू यूटिलिटी एयर फिल्टर बॉक्स चेंज करेंगे और फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे इसमें फिटिंग चालू होगी वीडियो आपको कंटिन्यू दिखते रहेगी सब सामान हम लोग जेन्युइन मंगा के रखा हुआ है सब सामान जेन्युइन ही लगेगा ये देखिए इसमें ये वाला मैं पाइप बोल रहा था BS3 का पाइप लग गया इसमें क्या अब ABS रिमूव हो गई है अब इसमें ये पाइप भी जो बार बार टूटता है उससे भी वो टेंशन फ्री रहेगा ये रहा ABS का मॉडलर ये पाइप बार बार बेंड होके टूटता है ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एकदम नहीं है इसी कारण वो जैसे वो शॉकर अप एंड डाउन होती है वो बार बार बेंड होता है जिसके कारण ये पाइप यहाँ से टूट जाता था अब ये पाइप इसमें ये देखो कितना फ्रैक्स है इसलिए इसकी लाइफ ज़्यादा लॉन्ग रहती है अब ABS भी रिमूव हो गया ABS सेंसर हम लोग ये वाला रिमूव करेंगे ये वाला ABS सेंसर ये रही स्टैंडर्ड BS3 की मैग्नेट एंड आर्मेचर ये भी दोनों जेन्युइन रॉयल इनफील्ड के ही हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि BS6 में और BS3 की वायरिंग में मैग्नेट और आर्मेचर का डिफरेंस होता है इसको भी हम जेन्युइन ही यूज़ कर रहे हैं 800 की ये है और 1375 रुपये की आपकी आर्मेचर है
और ये रही 800 रुपए की मैग्नेट। मैग्नेट खुलती है ना, छोटू ब्रेक वाल उठा, यहाँ पर पड़ा हुआ नीचे। और इसके अलावा मैं आर्मेचर दे दो, ये है BS6 की आर्मेचर, रख दे। मैग्नेट दे वाला, इसमें कौन कंपनी लगी है, 12 का। ये है BS6 है, देखो वैरव कंपनी की सप्लाई है इसमें, BAR 350 BS6 लिखा हुआ है। ये भी रिमूव करके हम लोग इसमें BS3 वाली डाल रहे हैं। देखो इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं है, ये है जेन्युइन BS3 के मैग्नेट। आर्मेचर का दाम है 1560 रुपये, सॉरी बाई मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था, 1375 रुपये। और बारिश ने तो आज हद कर दी है, बहुत ज़ोर बारिश हो रही है सुबह से ही, और इसी बहाने हम लोग को टाइम मिल गया इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से ये भी बोल रहा था भैया करवा दो, और टाइम नहीं था क्योंकि पेंटिंग गाड़ी फिट हो रही थी, इंजन बन रहा था गाड़ी सबका, तो आज बारिश के चलते वो भी आ गया और हमने भी इसको स्टार्ट कर दिया फिटिंग करना। अब ज़्यादा काम नहीं रह गया, खाली वायरिंग करना और हेड का काम रह गया, हेड बन के आएगा, वायरिंग हम लोग फिट कर देंगे। अब हम करने लगे हैं उसको फिटिंग स्टार्ट। ये हो गया आपका रेजोनेटर बॉक्स एयर फिल्टर वाला वायरिंग, ये चार्जर, ये आपका कार्बोरेटर फ्लेंच, बेलो रबड़, एल रबड़, एयर फिल्टर का कैप, और हमारे पास उसका BS3 का भी बॉक्स आ गया है। उसके अलावा जैसे जैसे आगे वर्क करता हूँ मैं आपको दिखाता रहता हूँ, इसमें फिटिंग चालू करता हूँ। चार्जर हमने फिट कर दिया इसमें BS3 वाला, ये आर्मेचर के साथ पहले ही जॉइंट कर दिया सो दैट प्रॉब्लम ना आए बैटरी बॉक्स लगने के बाद। अब हम लोग इसमें वायरिंग फिट कर रहे हैं, और एम मीटर भी हमने रिमूव कर दिया, एम मीटर भी अभी मैं इसको दूंगा स्टैंडर्ड वाला, और ये सब कॉइल वगैरह भी रिमूव करके अब इसमें इग्निशन कॉइल वगैरह भी मैं निकालता हूँ, इग्निशन कॉइल वगैरह भी फिट करते हैं। ये रहा एम्प मीटर 363 का, बुलेट गोल्ड जो बोलते हैं हम लोग, ये ओरिजिनल, और एम मीटर की रबड़ भी हमें चेंज करनी पड़ी क्योंकि BS6 में यहाँ पर एक, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रहा यहाँ पर एक होल्डर दिया रहता है BS6 के एम मीटर में, और ये वाले एम मीटर में कुछ नहीं दिया रहता तो डिस्टर्ब करती है, इसीलिए मैंने इसको भी चेंज करवा दिया। अच्छा ठीक है, करना हेला फिट करना फिर जाके ले आना। छोड़ दे, रहने दे, छोड़ दे। ओए उसका चाबी इसमें रखा हुआ है बॉक्स में, फिर इधर उधर हो जाएगा। और एक चीज दिखाना था, ये देखिए इसके टैंक हम लोग साफ किए, ये निकला पेट्रोल की जगह, ये इथेनॉल है, कल अभी इसमें पेट्रोल डलवाया था 200 का और ये बचा हुआ इथेनॉल निकला, बाकी और उस बॉक्स मोटर वाले डब्बे में अब उसको साफ़ करेंगे तो पता नहीं और कितना निकलेगा। ये हो रहा है जमशेदपुर में हमारे साथ, पेट्रोल के नाम पे इथेनॉल मिल रही है। चीज़ हम आपको दिखाते हैं, ये जो इथेनॉल है पानी में जाके देखना थोड़ी देर में वाइट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता वाइट में, पता नहीं क्या केमिकल इन्होंने मिक्स किया है। देखो देखो कैसे कलर चेंज कर रहा है, ये प्रॉपर वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख रहे हो, देखो ये है इथेनॉल, ये पानी हम लोग बोलते हैं, पानी नहीं है ये इथेनॉल है, देखो कैसा वाइट हो रहा, ये वही है जो
पेट्रोल टैंक से हमारे निकला है, देख लो। चलो इस जगह से देखो, अब यहाँ पर देखो ये क्लियर वाटर है, ये आपके सामने इथेनॉल डाल रहा हूँ, देखो देखो देखा, ये इथेनॉल है, देख ये हमें मिल रहा है पेट्रोल में, ये देखो देख रहे हो कैसे पानी वाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा है, देखो देख। ये हम बोलते हैं कि पेट्रोल है, ये देखो ये दूध बन गया, दूध प्योर वाइट, ये हमें मिल रहा है 97-98 में, ये जहाँ जहाँ जा रहा है देखो, जहाँ जहाँ ये जा रहा है ये इथेनॉल पानी के साथ कन्वर्ट होके वाइट होते जा रहा है, और ये इतनी गंदी स्मेल आती है इससे, जैसे लोकल हम लोग कोई शराब के ठेके के पास से क्रॉस करते हैं जैसे स्मेल आती है, वैसे स्मेल आती है, देखो पूरा वाइट हो गया, मिल्की वाइट, प्रॉपर मिल्क के कलर का। गाड़ी मिस कर रही है, गाड़ी चल रही नहीं है, यही इसमें प्रॉब्लम आते रहती है आस्ते आस्ते। ये रहा प्रॉपर एयर फिल्टर BS3 वाला, वो रही उसकी एल रबड़, ये हमने फिट कर दी एल रबड़ इसकी, और ये प्रॉपर उसके ऊपर एयर फिल्टर की प्लेट लगा दे रहे हैं, क्यों BS6 से BS3 का मतलब प्रॉपर सब कुछ, एयर फिल्टर के बॉक्स से लेके ब्रीदर पाइप से लेके सब कुछ वैसे जैसे उसमें आता है BS3 में। बहुत जन हमारे यहाँ पर भी BS6 से BS3 कर रहे हैं, ना ही उसमें एल रबड़ लगा रहे हैं, ना ही उसमें बेलो रबड़ लग रही है, वो डायरेक्ट जो FI में पाइप आता है वैसे ही उसमें डायरेक्ट क्लैम टू क्लैम बीच में जॉइंट देके फिट कर दे रहे हैं, और ये वाला बॉक्स खाली रिमूव करके छोटे वाला फिल्टर रिमूव करके फिट कर दो, हो गया काम फिनिश। ऐसे नहीं होता यार, ये रेजोनेटर बॉक्स लगाओ प्रॉपर करो कि सो दैट उस वो कभी उसको बैक कंप्रेसर करे गाड़ी, बैक किक मारे तो वो रबड़ वगैरह रिमूव ना हो, और इस तरह से होता है क्या, बार बार उसका बैक मारता है रबड़ निकल जाती है, कस्टमर रास्ते में फंस जाता है जब तक उसको स्क्रू ड्राइवर नहीं मिलता फिट करने लायक। थ्रॉटल केबल इसमें हम लोग बुलेट 500 की फ़िट कर रहे हैं, 240 रुपीज़ MRP वाली, 300 वाली नहीं फिट कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए फिर से हमें थ्रॉटल वाला वाला क्लैंप लगाना होगा, CDI में तार जाती है। ये रहा एक और थ्रेड कट गया इसमें BS6 में, ये देखो ये वाला प्लग नहीं था ना इसमें, ये तो पहले मोटा वाला प्लग आता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये राइट हैंड साइड में भी हमारा ट्विन स्पार्क प्लग ये बन गया, ये देखो ये इसके देखो बाबरी सा। अब इसको एक बार वॉश करते हैं प्रॉपर पेट्रोल से, उसके बाद इसको अभी फिट कर देंगे, अंधेरा तो हो गया है मगर कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा कर देंगे। अब ये बन गया हमारा प्रॉपर BS3 ट्विन स्पार्क प्लग। ये रहा कार्बोरेटर BS3 का 3300 का, ये भी अब फिट करने लगे हैं क्योंकि बाकी सब कुछ हो गया है, हेड इसमें टाइट कर रहा है, वो हेड फिट होते साथ ही हम लोग बेलो रबड़ और ये कार्बोरेटर फ्लेंच लगा के कंप्लीट करेंगे इसको। कार्बोरेटर मैंने निकाल दिया है और ज़्यादा इसमें रह नहीं गया वर्क प्रोसेस में करने के लिए। ये रही फ्यूल पंप हटा के वहाँ पर लगाने वाली अल्मोनियम प्लेट, अब हमने इसकी लास्ट टाइम हमने ट्यूब काट के लगाई थी, अब हमने इसकी पैकिंग भी मंगवा ली है और स्क्रू के साथ अब फिटमेंट आ रही है। अगर किसी को चाहिए होगी तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, DM कर दे मुझे या तो फिर मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगा। ये प्लेट विथ पैकिंग अल्मोनियम की बहुत सही है यार, ये ना रस लगेगा ना कुछ।
कार बॉक्स का ब्रैकेट आया नहीं है, बाद में मंगा देगा ना, उसको कल चाहिए तो क्या करेगा। अब हम लासी लगा देते हैं ना। ऐसी लगेगा नहीं तो इधर तो बहुत आगे हो जाएगा वहाँ। क्या नाम है उसका? नाम है लालू का भाड़ा मालिक। 10 नंबर भाई है। नहीं बैठ रहा है, इसमें 8 है। निकाल लेता हूँ उधर अंदर में, देख इधर पड़ा होगा। ये प्रॉपर रेजी बॉन्ड लगा के हमने टाइट किया, ये भी पैकिंग लगी है देखो, साथ में बॉन्ड लगी है कि एकदम पेट्रोल लीकेज ना हो। ये रहा देखो बॉन्ड, हम प्रॉपरली किया है और एलेंकी टीवीएस के लगाए हैं विथ कॉपर वॉशर, सो दैट इन फ्यूचर ये यहाँ से लीकेज ना करे कुछ भी। और यहाँ पर भी हेड वगैरह टाइट हो गया है, रॉकर पैकिंग लग गया है, कार्बोरेटर भी इसमें फिट हो गया है विथ प्रॉपर क्लैंप लगाए हैं, इसमें टाई बेल्ट के साथ बेलो रबड़ लगाई है। ये देखो ये है रेजोनेटर बॉक्स, इसको हमने लगाया विथ एल रबड़ एयर फिल्टर में, क्योंकि ये यहीं से बार बार ये रबड़ निकलती है। अब इसको प्रॉपर जैसे ओरिजिनल रॉयल इनफील्ड फिट करके देता है, सेम वैसे ही हमने फिट किया रेजोनेटर बॉक्स के साथ। ये यहाँ से लीकेज वगैरह कुछ नहीं होगी। वन प्लग यहाँ पर हो गया एंड सेकंड प्लग वहाँ पे हो गया, देखो सेकंड प्लग। अब इसमें कॉइल लगेगी, इग्निशन कॉइल, एक इग्निशन कॉइल इसमें करंट देगी और एक इग्निशन कॉइल ये वाली जो है प्लग कैप के साथ यहाँ पर लग जाएगी। फिर इसमें पेट्रोल डाल के बाकी फर्दर काम चालू करते हैं। फाइनल चेकअप चल रहा है, एक बार करंट फ्लो वगैरह देखते हैं, बाकी सब कुछ लग गया फाइनल करके अब इसको ले जाएंगे, बाकी का वर्क जो है मॉर्निंग में किया जाएगा। स्टार्ट हो गई है अभी, सलेंसर वगैरह कुछ नहीं लगा। ऑन ट्यूनिंग है कभी चक्का देखा दे सर, यही फायदा स्टैंडर्ड का, चक्का देखने का ही लगा है। जाओ मौज लो, शाम में आना, बाकी इसका जो सामान चेंज हुआ है निकाल के बॉक्स में डाल के दे देंगे, ठीक है? शाम में नहीं, फोन करके आना, आज शाम में या कल शाम में तुम फोन करके आना, हम निकाल के दे देंगे। हाँ ठीक है, अरे छोटो, अबे छोटो साइड स्टैंड का सेंसर खोल दे, चैन में फंसेगा। कंप्लीट हो गए BS6, टायर के मूवमेंट देखो, टॉपलर कर दे साइड स्टैंड अलाउ दे, फंसेगा चैन में उधर से। क्या करके खोल दे
पहले कन्वर्ट किया था हमने जो BS6 को BS3, वो 3000 किलोमीटर चली थी और ये चली है 7800। और इसका देखो स्टीकर अभी तक लगा हुआ है, ये देखो स्टैंडर्ड EFI वाला, ये प्रॉपर कर दी हमने विदाउट ABS BS3 कार्बोरेटर के साथ। ये वाला बॉक्स पेंडिंग है, वो जिस दिन आएगा उस दिन फिट करेंगे, इसलिए उसको अर्जेंट था, भाई को दे दी गाड़ी। और ABS वाला पाइप भी हटा के हमने इसमें ये वाला डिस्क पाइप लगा दिया।